जय हिंद दोस्तों मैं हूं मैं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट गोवा में एक जगह है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री वहां पे एक नेवल बेस है वहां पे एक एयर बेस है और वो अमेरिका का पार प्रोजेक्शन करता है उस पूरे एरिया में अब अमेरिका ने क्या करा है कि वहां पर बी टू स्पिरिट बॉम्बर्स जो हैं दीज आर न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब इनसे गिर सकते हैं इनमें स्टेल्थ केपेबिलिटीज हैं और ये मोस्ट एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऑन द प्लानिट है बी टू से बेहतरीन कुछ है नहीं दोस्तों पहले एक जमाने में बी वन होता था अब उसका एडवांस वर्जन आ गया बी टू विच फार मोर एडवांस ये अमेरिका ने वहां पर लगा दिया अच्छा सोचने की बात यह है कि चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं है रशिया के पास भी ऐसा कुछ नहीं है क्या इन दोनों देशों के पास स्ट्रेटेजिक हैं बिल्कुल क्या इनके पास यूएस वाली कैपेबिलिटी के बॉम्बर्स हैं या बी टू का कुछ है टक्कर देने वाला या तोड़ करने वाला एब्सोल्युटली नॉट तो इससे क्या होता है कि चाइना ट्रिगर हो जाता है चाइना को यह आदत है कि आप पुश करते रहो चाइना आपको पुश करता रहेगा चाइना आपको पुश करता रहेगा पुश करता रहेगा अगर चाइना को लगता है कि आप थोड़े से कमजोर हैं चाइना से चाइना विल कीप ऑन पुशिंग यू। अगर आप चाइना को जवाब नहीं देंगे ये क्यों किस परिपेक्ष में मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूं दोस्तों ऐसा है कि आप दुश्मन के हथियार समझने से पहले दुश्मन की प्लानिंग समझने से पहले दुश्मन की स्ट्रेटजी समझने से पहले अगर आप दुश्मन का माइंडसेट समझते हैं तो आपको बाकी सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाती है हम लोग कई बार एक गलती कर देते हैं हम आम लोग की बातें कर रहा हूं हम लोग ये गलती करते हैं कि हम हथियार समझने की कोशिश करते हैं उसके पास ये हथियार उसके पास ये हथियार उसके पास ये कैपेबिलिटी और ये सब जरूरी भी है मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है ऑफकोर्स दीज आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस बट देर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड द वेपन हर एक हथियार के पीछे एक इंसान खड़ा होता है जो उस हथियार को चलाता है वो अनमैंड ड्रोन क्यों ना हो वो अनमैंड ड्रोन क्यों ना हो वो पायलटलेस एयरक्राफ्ट क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चला कोई पीछे बैठा बंदा ही रहा है उसको अगर आपने उस पूरे एरिया की या कुछ लोगों की साइकोलॉजी समझ ली आप दुश्मन से बेहतर डील कर पाएंगे अब देखिए पूरा ये मैटर क्या है चाइना पुश करेगा छोटे छोटे कंट्रीज को चाइना गुंडागर्दी करके उनकी जमीन छीनने की कोशिश करेगा जैसे आपको पता है चाइना ने फिलीपींस में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा केस कर दिया एक नाव के ऊपर कोस्ट गार्ड बोट उसके अंदर कुछ होंगे पंद्रह बीस लोग तो चाइनीज ट्रूप्स घुसे और हाथों में कुल्हड़ियां लेकर पीट ये सब करना जो उन्होंने गलवान में करने की कोशिश करी थी एग्जैक्टली द सेम थिंग और वहां से उनके हथियार वथियार भी उठा के उन्होंने चोरी करके ले आए वापस क्या चाइना को उनके हथियार चाहिए बिल्कुल नहीं क्या चाइना को उनकी बोट चाहिए बिल्कुल नहीं चाइना को कुछ नहीं चाहिए चाइना सिर्फ मैसेज पास करता है चाइना का माइंड सेट क्या है चाइना मैसेज पास करता है चाइना संकेत देता है और चाइना संदेश देता है और देता चला जाता है और चाहता है कि संदेश देते देते और छोटी मोटी ऐसी हरकतें करके दूसरा बंदा टूट जाए और जब उसको जवाब मिल जाता है जैसा उसको गलवान में मिला था फिर चाइना वहां पे चुप हो जाता है आपने देखा कि एक जमाने में हर समय कुछ ना कुछ कर रहा है कभी डोकलाम में कुछ कर रहा है कभी कभी वो तवांग में कुछ कर रहा है कभी आपके यू you नो know, ईस्टर्न लद्दाख में कुछ बदमाशी कर रहा है कभी गलवान में घुसने की घुसने की उसने कोशिश ही करने की शुरुआत करी थी वहां पर खून खराबा हो गया तो चाइना को एक बात पता लग गई कि यार इंडियन आर्मी विल नॉट टॉलरेट नॉनसेंस तुम करोगे ठोक देंगे तुम्हें

लेकिन सच बात तो यह है कि उस टेक्नोलॉजी वाला चीन के पास कुछ भी नहीं, नहीं है अमेरिका ने गोम में लगा दिए बीटू बॉम्बर्स और बीटू बॉम्बर्स लगाने के बाद अमेरिका ने वहां पे फ्लाइट अपनी शुरू कर दी दोस्तों इतने कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं इतने ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं कि मतलब एक दे हैव अ वेरी वेरी लो सिग्नेचर रेडार में आपको नहीं पता लगेगा बीटू आ रहा है आपको लगेगा चिड़िया टाइप का कुछ छोटा सा कुछ चीज चल रही है यू कैनोट रिकोगनाइज इट एज अ बीटू स्पिरिट एक तो यह इसकी खासियत है दूसरी चीज इट्स वेरी फास्ट तीसरी चीज न्यूक्लियर वेपन लेकर चलता है और इट इज ऑल्सो गॉट एन एरे ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इट इज दीक ऑफ अमेरिकन एयर टेक्नोलॉजी ये पीक है बीटू यू नो और भी लोग कहते हैं लोग एफ ट्वेंटी टू रैप्टर की बात करते हैं या एफ थर्टी फाइव लाइटनिंग की बात करते हैं वो उनका वो अलग मैटर है दो इज अ बॉम्बा सो so, जाहिर सी बात है अलग प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन जहां तक शेयर टेक्नोलॉजी की बात है बी टू इज दिनिकल ऑफ अमेरिकन एयर अचीवमेंट और ये अमेरिकन ने लगा दिया में। अच्छा एक और जब एक्सरसाइज हुई थी एक्सरसाइज में अमेरिका ने खुद ही का जहाज डुबा दिया अभी अमेरिका ने क्यों करा बेवकूफ है क्या है नहीं इन्होंने जानबूझ के ऐसा करा दोस्तों ये एक्सरसाइज है रिम्पैक्ट ड्रिल्स तो एक पुराना जहाज था डी यानी डी कमिशन मतलब अब वो किसी काम का नहीं है बस है पानी में पड़ा हुआ जिसका नाम था यूएसएस तारावा और चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो थोड़े से पुराने वाले हैं वो 40 से लेकर पैंतालीस हजार टन के हैं डिस्प्लेसमेंट इन्होंने क्या करा कि अपने ही वॉरशिप को यूएसएस तारावा जो कि डी कमिशन हो चुका है जो कि नहीं अब इस्तेमाल करते पुराना हो चुका है उसको इन्होंने तैराया पानी में और अपनी मिसाइल इन्होंने उसकी ओर फायर करी यूएसएस तारावा के ऊपर उन्होंने फायर करा और जाहिर सी बात है यूएसएस तारावा डूब गया अब लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें दो कारण थे अमेरिका ने ऐसा क्यों करा पहली चीज अमेरिका ने बहुत बड़ी रिमपैक ट्वेंटी की एक्सरसाइज करी उसमें और भी देश इन्वॉल्व थे चाइना देख रहा है कि अमरीका क्या कर रहा है चाइना बिल्कुल भली भांति परिचित है कि अमेरिका जब यह कर रहा है तो उसका यह मतलब है दे नो एवरीथिंग राइट उनकी नजरों के सामने जाहिर सी बात है रिनपैक एक्साइज चाइना अपने सैटेलाइट से भी देख रहा होगा उनकी भी रिकॉनसेंस के प्लेन्स होंगे या कुछ तो होगा उनके ग्राउंड पे एसेट्स होंगे सिग्नल इंटेलिजेंस होगा ह्यूमन इंटेलिजेंस होगा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होगा कुछ तो होगा जो चाइनीज जिससे नजर रख रहे हो अमेरिकन चाहते हैं कि नजर रखें यूएसएस तारावाओ को डुबाने के दो मकसद जब इतना बड़ा जहाज अब हाल ही में देखिए अब ये जब युद्ध होते हैं प्रॉपर दो बड़े देशों के बीच में तब तो बड़े बड़े जहाज डुबाए जाते हैं अब नॉर्मल अगर आप अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं या इराक में लड़ रहे हैं वहां पर बड़े जहाज कहां डूबते हैं तो सबसे पहले वो एक्सपीरियंस लेना है ना वो फील लेना कि यार जब आप बड़े जहाज को डुबाते हैं तो आप कैसे डुबाते हैं उसको डूबने में टाइम कितना लगता है आपको फायर फायर कितना चाहिए कौन सी मिसाइल फायर करनी है पचासों कैलकुलेशन होते हैं पचासों कैलकुलेशन तो अमेरिका ने वो कैलकुलेशन करे और यूएस तारावा को डुबा दिया दूसरी चीज उसका साइज वो था यूएसएस तरावा का जो उसका साइज था जो उसका वेट था जो उसकी डिस्प्लेसमेंट थी वो एटलीस्ट शेप एंड साइज काफी मिलता जुलता है जो लेटेस्ट शिप्स चाइना ने बनाए हैं चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो चाहे बड़े बड़े एमफीबियस उसके शिप्स हो जो भी हो उससे मिलता जुलता है तो ये एक क्लियर कट मैसेज है चाइना को कि दोस्तों ये जो तुम बना रहे हो ना जो तुम पतंग उड़ा रहे हो अपने ये जहाज बना लिया ये बना लिया ये बना लिया हमें उनको डुबाना भी आता है हमें उनको खुले तौर पे अमेरिका ये कह रहा है ये खुली धमकी है दोस्तों कि हमें तुम्हारे ये जहाज डुबाने आते हैं और ये लो हमने तुम्हें डुबा के दिखा दिया अच्छा दोस्तों ये जो हुई पैक इसमें भारत भी है इंडिया इज ऑल्सो तो टेकिंग पार्ट इसका फायदा क्या हो गया इंडिया को अब डुबाया तो इंडिया के सामने भी है अब जब इंडिया के सामने डुबाया है तो इंडिया भी यह सोच रहा होगा कि यार देखो अपने ईस्टर्न सी बोर्ड के आसपास अगर चाइना से पंगा होता है तो फिर हमें भी पता है कि चाइना के जहाज किस तरीके से डुबाने हैं तो दोस्तों दो बड़ी खबर थी चाइना को लेके और दोनों के दोनों जो अमेरिका ने करा है। एक तो अमेरिका ने बी टू स्पिरिट बॉम्बर गुआम में लगा दिया चाइनीज का गला सूख गया और गला सूखने के बाद जैसे ही ठीक से सूखा था इसने दोबारा सुखा दिया यूएसएस तारावा को डुबा के और डुबाया क्या चाइना क्या कहेगा चाइना इसमें खुद का जहाज है साहब हम अपना जहाज भी नहीं डुबा सकते ये भी चाइना से परमिशन लेंगे हम तो आपकी बात ही नहीं कर रहे हमारा जहाज था पुराना हो गया था, हमने हमारी मिसाइल डुबा दिया बट चाइना को पता है कि क्यों डुबाया क्योंकि वैसे ही चाइना के पास जहाज है और अगर ये यूएसएस तारावा डुबा सकते हैं तो चाइना का जहाज क्या बेचता है